हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्या और आप देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक मेंस्ट्रुएशन का प्रश्न लेकर के आया हूं। दोस्तों, और इस प्रश्न को लाने का क्या मकसद है? दोस्तों, मकसद यह है कि यह प्रश्न थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज कर रहा है, क्योंकि तो मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जा रहे हैं और प्रश्न बहुत आसान है, इसीलिए मैं इसको लेकर के आया हूँ। आप लोग इसको देख लीजिए। प्रश्न है दोस्तों, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। दोस्तों, तो प्रश्न यही है कि 17 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत है दोस्तों, और उसको चौड़ाई के परितः घुमाया जा रहा है। तो जो आकृति बन रही है, आकृति बेलन बन रही है, उसका आयतन और वक्र पृष्ठ हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों देख लीजिए, यह एक आयत है, 17 सेंटीमीटर लंबा है और 7 सेंटीमीटर चौड़ा है। दोस्तों, अब इसमें कह रहा है कि चौड़ाई के परितः घुमाने पर, चौड़ाई के परितः घुमाने पे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यह चौड़ाई है। अब इसी चौड़ाई के परितः घुमाया जा रहा है। परितः का मतलब क्या हो गया? उसके चारों ओर, चौड़ाई को के चारों ओर घुमाया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें देख लीजिए, यह जो आकृति ABCD आपको दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, इस BC को हम स्थिर कर देंगे, BC भुजा को स्थिर कर देंगे, और यह जो AD वाली भुजा है इसको A से पकड़ करके और इसी B के चारों ओर घुमाएंगे। आप कल्पना कीजिए कि इसको स्थिर कर लीजिए, अब इसको पकड़ करके AD को, अब इसको उठा करके इसके चारों ओर घुमा दीजिए। जब चारों ओर घुमाएंगे तो आपको इस प्रकार एक बेलन प्राप्त होगा। अब जब इसको स्थिर कर देंगे, अब ये को पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो यह केंद्र हो जाएगा। देख लीजिए B, यह केंद्र हो जाएगा। अब ए को जब घुमाएंगे चारों ओर तो कौन सी आकृति बनेगी? वृत्त के आकार की यह आकृति बन जाएगी। तो यह बेलन आकृति बनेगी और जिसके दोनों सिरे वृत्त के आकार के बनेंगे। और यही 7 सेंटीमीटर, जो यह 7 सेंटीमीटर चौड़ाई है, यही त्रिज्या हो जाएगी। 7 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी? यही त्रिज्या हो जाएगी। और यह 17 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? ऊँचाई हो जाएगी। तो यहाँ त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊँचाई 17 सेंटीमीटर। लोगों को कन्फ्यूजन क्या हो रहा है? देखिए दोस्तों, इसमें प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि यहाँ चौड़ाई के परितः घुमाने की बात हो रही है, और अगर आता कि चौड़ाई के परितः मोड़ने की बात होती। देखिए, घुमाना और मोड़ना, घुमाने वाला प्रश्न तो यह है, और जो लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं और गलत इसको बता रहे हैं, वह मोड़ रहे हैं। मोड़ने का क्या मतलब है कि यही मान लीजिए यह कागज़ का एक टुकड़ा आप जो आयत देख रहे हैं, अब इसको आप चौड़ाई के परितः मोड़ दीजिए, तो आप ए को उठा करके बी से मोड़ दीजिए, तो देखिए एक रिंग बनेगा। उस स्थिति में यह 7 सेंटीमीटर जो है, यह परिध हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? यह परिध हो जाएगा। और यह 17 सेंटीमीटर ऊंचाई तो उतनी रहेगी 17 सेंटीमीटर, लेकिन तब 7 सेंटीमीटर परिध का काम करेगा। जब हम मोड़ेंगे, जब चौड़ाई के परितः मोड़ेंगे, तो यह 7 सेंटीमीटर यह परिध हो जाएगा, अर्थात 2πr का मान 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ मोड़ने वाला प्रश्न नहीं है, यहाँ घुमाने वाला प्रश्न है। तो घुमाने वाले में हमने आपको जो बताया है कि 7 सेंटीमीटर क्या रहेगा, त्रिज्या हो जाएगी, और 17 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी, और यह आकृति बनेगी। अब देख लीजिए, जब h बराबर 17 सेंटीमीटर, r बराबर 7 सेंटीमीटर आपके पास मौजूद है, तो बेलन का आयतन का सूत्र लगा दीजिए, πr²h, पाई का मान 22/7, r² कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर कर लीजिए, और गुणे h का मान 17 सेंटीमीटर, तो 22/7, और 7 का स्क्वायर 7 × 7 और गुणे 17, 7 से 7 काट दीजिए, 22 × 7 × 17, तो 22 का 7 में गुणा करेंगे 154 हो जाएगा, और गुणे 17, अब 17 का 154 में गुणा करिए 2618 आयतन है, तो इसका मात्रा घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πr² 2π का मान 22/7, r का मान 7 और h का मान 17, तो अब इससे यह कैंसिल हो जाएगा, 22 × 44 44 × 17
44 में 17 से गुणा करेंगे तो जाएगा 748 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि अब यह प्रश्न आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। आप समझ गए होंगे जब कभी परितः मोड़ घुमाने की बात कहेगा तो आप उसके उसको क्या करेंगे, चारों ओर घुमाएंगे, और जब मोड़ने की बात करेगा तब आप इसके दोनों सिरों को क्या करेंगे, ऐसे पकड़ करके ए को बी को सी से मिला देंगे और डी को सी से मिला देंगे। उस स्थिति में यह 7 सेंटीमीटर क्या बनेगा, परिध बनेगा, और यह 70 सेंटीमीटर ऊंचाई बनेगी। लेकिन प्रश्न में हमारे घुमाने की बात हो रही थी इसीलिए त्रिज्या यह 7 सेंटीमीटर बनेगी और ऊंचाई 70 सेंटीमीटर। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे तरीके से आ गया है तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूट्यूब वीडियो मैं लेकर के आता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।